हेलो भाई, मैं हूँ मोहम्मद आजम। तो आज हम देखने वाले हैं अपनी महिंद्रा बोलेरो न्यू मिल जाएगी हमें। N10 वेरिएंट है भाई, टॉप वेरिएंट है। इससे नीचे मिल जाता है आपको N6 मिल जाता है, N4 मिल जाता है। बाकी इस टाइम हम खड़े हैं अपनी अभी अभिनंदन ऑटो जोन महिंद्रा के अंदर, जो मुरादाबाद में पड़ जाता है भाई। यहाँ अगर इसके प्राइस की हम बात करते हैं तो जो एक्स शोरूम कटेगा वो कट जाएगा हमारा 12,15,000। एक्स शोरूम रहता है वो तो हर कहीं का सेम रहता है, बाकी ऑन रोड स्टेट टू स्टेट आपका चेंज हो जाता है। जो यहाँ पे इस टाइम पड़ेगा 14,05,000 में हम इसे अपने घर लेकर आ सकते हैं। बाकी भाई जो की रहेगी हमें ऐसी की देखने के लिए मिल जाती है। इसमें आपको कीलेस एंट्री नहीं आएगा, नॉर्मल सी फ्लिप की मिल जाएगी, लॉक अनलॉक मिल जाता है। बाकी यहाँ से आप इसके फोन के साउंड वगैरह देख सकते हैं, ऐसे गाड़ी पार्किंग वगैरह में लगी हुई हो। बाकी जो फ्रंट से पूरी प्रोफाइल निकल कर आती है कुछ हमें ऐसी देखने के लिए इसमें मिली जाती है। जो ग्रिल आती है भाई, इस पर आपको नया लोगो तो देखने के लिए अब मिल जाता है। इसमें क्रोम का यहाँ पे टचेस दे दिए, 3 इधर यूनिट में मिल जाती है, 3 इधर में मिल जाती है। जो भाई इसकी फ्रंट में लाइट मिलती है, इसमें आपको कुछ ऐसी DRL यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, इंडिकेटर मिल जाता है, पार्किंग लाइट मिलती है। बाकी सब आपको हेलोजन बल्ब के साथ आएगा, कोई भी प्रोजेक्टर इसमें देखने के लिए नहीं मिलता। फॉग लैंप जो आता है भाई गाड़ी में नीचे, इसमें आपको मिली जाता है। स्क्रिप्ट प्लेट वगैरह बम्पर पे नहीं मिलती देखने के लिए। ग्राउंड क्लियरेंस भाई ठीक है, इस मॉडल के काफ़ी दीवाने हो चुके हैं। पहले जो आता था भाई हमारा नॉर्मल सा वेरिएंट आता था, लेकिन इसमें जो TUV आती थी सेम उसी की प्रोफाइल में बोलेरो का अपडेटेड वर्जन इसमें कर दिया है महिंद्रा ने। इसके लुक भाई काफ़ी प्रीमियम तो हो ही गए। फिर सस्पेंशन चलाने में गाड़ी बॉडी रोल वगैरह बहुत कम इसमें कर दिया गया, क्योंकि भाई गाड़ी पहली जो आती थी वो एक रफ़ एंड टफ एंड SUV के अंदर आती थी। बट इसमें जो कंपनी ने इतने प्रीमियम लुक के साथ में हमारी गाड़ी निकाली, आप लुक देखो भाई गाड़ी के, इतने धांसू लुक निकाल दिए, कोई बंदा कह नहीं सकता कि हमारी बोलेरो। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप पढ़ लीजिए भाई, देखो महिंद्रा बोलेरो मिल जाती है देखने लिए। यहाँ पर आपको बोलेरो नियो की बैसिंग मिली जाती है। बाकी डोर हैंडल जो आएंगे वो आपको पूरे रब ब्लैक के साथ में मिलेंगे, कोई भी बॉडी कलर इसमें देखने के लिए नहीं मिलते। यहाँ पर आपको N10 की बैसिंग इसमें जरूर से देखने लिए मिलती है। जो भाई स्पेयर व्हील रहता है वो हमारा स्टेपनी जो है यहाँ पर बोर्ड पर टंगी रहती है, क्योंकि आज भी महिंद्रा को चीज़ करनी थी। अगर हम स्कॉर्पियो N की बात करें वो आपको नीचे मिल जाता है, बट इसमें आपको यहीं देखने के लिए मिलता है। 2 पार्किंग सेंसर इसमें आपको रियर में देखने के लिए मिल जाते हैं, एक और एक कैमरा वगैरह इसमें नहीं मिलेगा देखने के लिए। बाकी रिफ्लेक्टर बेस्ड यहाँ मिलता है। ये बम्पर जो भाई डुअल कलर में आपको देखने के लिए मिल जाता है, व्हाइट और ब्लैक के साथ में। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस भाई ठीक मिलेगा, स्पेयर व्हील नहीं है, रियल व्हील आपको ड्राइव मिलेगी। 4x2 ही मिलती है, 4x4 इस वेरिएंट में कुछ भी नहीं आता देखने के लिए। जो रियल लाइट मिलती है भाई कुछ हमें ऐसी देखने के लिए मिलती है। इसमें आपको बल्ब जो है वो सब हेलोजन के साथ में आएगा, कोई भी LED बेस्ड नहीं आएगा। यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिलता है, बाकी ब्रेक पर आपको जली जाती है। यहाँ पर आपको रिवर्स भी देखने के लिए मिलता है। बाकी भाई अलाउ व्हील के साथ में हमें देखने के लिए मिली जाती है, इसके लुक बढ़ जाते हैं अलाउ की वजह से, जिसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। गुडियर के इसमें टायर जो मिल जाते हैं, टॉप वेरिएंट जैसे मैंने आपको बताया, 215/75R15 इसकी प्रोफाइल हमें देखने के लिए मिल जाती है। बाकी भाई क्लेडिंग जो है वो हमें पूरी गाड़ी में यहाँ देखने के लिए मिलती है, आपको पूरे ब्लैक मिलेंगे। इस पर जो जाती है यहाँ भी क्लेडिंग हमें डोरों पर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि फुट स्टेप आपको इसमें देखने के लिए जरूर से मिलता है। जो भाई इंडिकेटर मिलेगा वो आपको फेंडर पर देखने के लिए मिलता है, कोई भी साइड मिरर के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलता कहीं से कहीं तक। बाकी आपको साइड में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिल जाते हैं, कोई भी फोल्डेबल वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते। डिस्क ब्रेक जैसे मैंने आपको बताया फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई भी आपको रियर में नहीं मिलता देखने के लिए। भाई भाई फ्रंट से देखो लुक, आप देखो गाड़ी के इतने प्रीमियम लुक के साथ में हमें गाड़ी मिली जाती है देखने के लिए। बढ़ता हूँ मैं इधर और साइड से आपको एक बार गाड़ी के लुक दिखाऊँ, लेकिन उससे पहले जो टो हुक मिलता है महिंद्रा हमें यहाँ पर निकाल के देती है। भाई साइड प्रोफाइल देखो गाड़ी की, भाई लॉन्च तो पहले हो चुकी थी जो पुराना वेरिएंट आता था, बट जब से महिंद्रा ने अपडेटेड करा भाई इसमें, तो भाई की वो पसंद है वो उसको परचेस करते हैं, जिसकी ये पसंद है वो इसको परचेस करते हैं, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ में हमें गाड़ी मिली जाती है देखने लिए। एक लग्जरी सेगमेंट में हमें मिल जाती है, जिस भाई का बजट कम होता है, स्कॉर्पियो का बजट नहीं होता तो वो इस गाड़ी को ले सकता है, क्योंकि सस्पेंशन में काफ़ी इसमें सुधार कर रखा है। एक रूलर टाइप में चलाओ आप या कहीं भी चलाओ। रियर में बढ़ता हूँ भाई, रियर वाइपर मिल जाता है, डिफोगर मिलता है, हाई स्पीड स्टॉप मिलता है, वाइपर वॉशर जो है वो आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी जो बूट रहता है भाई अगर मैं दिखाऊँ, ये आपको इधर से ऐसे खुलता है, यहाँ पर आपको रब ब्लैक में इसका डोर हैंडल मिल जाता है, लॉक अनलॉक आपको मिलता है, सेंटर लॉकिंग के साथ में आती है। जैसे मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ तो भाई ये भी लॉक हो जाता है, हमारा ऑटोमेटिक अभी बूट खुला हुआ है, इसलिए गाड़ी हमारी लॉक नहीं होगी। बाकी 7-सीटर एक SUV के साथ में आती है, इसमें आपको 2 यहाँ पे मिल जाती है, 3 यहाँ पे, 2 आगे मिल जाती है। इसको आप फोल्ड करके इसमें बूट स्पेस भी काफ़ी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये महिंद्रा पूरा फ्लैट आपको दे देता है करके, बूट स्पेस भी इस चीज़ से बढ़ सके। बाकी चलने के लिए आपको फुट स्टेप एक यहाँ देखने के लिए मिल जाता है और साइडों में मिल जाते हैं। चलो मैं गाड़ी में अंदर से दिखाता हूँ भाई, अंदर से हमें क्या क्या फीचर्स इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले गाड़ी हमारी अनलॉक तो है ही, अब जैसे मैं इसका डोर खोलता हूँ भाई गाड़ी अनलॉक करके, कुछ इतना बड़ा इसमें आपको डोर देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको कोई भी विंडो का स्विच वगैरह यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता, वो सब आपको अंदर मिलते हैं, जैसे हमारी पुरानी मध्य टाइम की बोलेरो में आते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे का कॉम्बिनेशन में इसका डोर हैंडल जरूर से मिल जाता है, कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह इसमें देखने के लिए हमें नहीं मिलता। बट स्पीकर जो भाई डोर पर कुछ इतना बड़ा हमें देखने के लिए जरूर मिल जाता है, बोतल होल्डर यहाँ मिल जाता है, स्पेस जो थोड़ा बहुत यहाँ भी मिल जाता है।
जैसे बढ़ता हूँ भाई मैं गाड़ी के अंदर से प्रोफाइल लेकर आपको अंदर से अगर मैं दिखाऊँ गाड़ी में फीचर जो रहेंगे वो पूरा कुछ हमें ऐसा इसका डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको डुअल कलर में मिल जाता है, कोई भी सॉफ्ट टच नहीं आएगा। आप यहाँ देखो बेज कलर के साथ में आपको यहाँ मिल जाता है, बाकी ब्लैक में आपको पूरा मिल जाता है। इस पे भाई आपको थोड़ा सा क्रोम का काम भी जरूर से देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। महिंद्रा ने चीज काफी अच्छी कर रखी है अपनी। बाकी जो इसमें म्यूजिक सिस्टम आता है वही वो हमारा एंड्रॉइड के साथ में आता है, कोई भी एप्पल कार प्ले नहीं मिलता, एंड्रॉइड मिल जाता है। जो इसका मीटर रहेगा भाई वो पूरा हमारा कुछ ऐसा देखने के लिए हमें मिल जाता है। इसमें आपको 180 स्पीड 7000 इसमें आरपीएम देखने नहीं मिलता। बाकी बुलेरो नियो हमारा वेलकम वगैरह कर देती है। जैसे मैंने अभी हेडलाइट के लिए DRL ऑन कर रखी है, ऐसे मैं इसको बंद करता हूँ, इसकी लाइट जो भाई वो ऑटोमेटिक तेज हो जाती है। 1000 लाइट आपको यहीं से बंद करनी पड़ेंगी। बाकी अगर इसके MID के कंट्रोल की भाई मैं बात करूँ वो आपको सिर्फ यहीं देखने नहीं मिलते हैं, आपको ट्रिप ए करनी है, ट्रिप बी करनी है भाई। TPMS जैसा फीचर्स इसके अंदर मिल जाता है। ऐसा नहीं है चार टायर का भाई, पांचों का बताता है, स्पेयर व्हील का भी बता रहा है, वो 30-30-30-29 भाई PSI। बताओ कितनी बढ़िया चीज महिंद्रा ने अपनी कर रखी है। बाकी इधर बात करूँ मैं आपको माउंट कंट्रोल मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल भी इस वेरियंट में देखने के लिए हमें जरूर से मिल जाते हैं। जो भाई स्टेयरिंग इसमें रहता है हमारा टिल्क मिल जाता है, बट टेलीस्कोप नहीं आएगा, ओनली ओनली इसमें टिल्क मिल जाता है देखने के लिए। मोड जो रहेगा भाई इको मोड इसमें आपको मिल जाता है। साइड मिरर मैंने बताया वो आप यहीं से एडजस्टेबल वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे AC वेंट पे भी थोड़ा ग्रे का काम मिल जाता है देखने के लिए महिंद्रा का। जो गियर बॉक्स रहेगा भाई 5 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मिलेगा, रिवर्स लगा के 6 मिल जाते हैं। बाकी चारों पावर विंडो के सॉकेट आपको यहीं मिल जाते हैं, यहीं से आप इनको अप डाउन कर सकते हैं। जो आर्मरेस्ट रहेगा भाई आपको फर्स्ट रो में भी देखने के लिए मिल जाता है, दोनों सीट पे मिल जाता है, ड्राइवर साइड भी और गो पैसेंजर साइड भी। एयरबैग जो रहते हैं भाई दो ही मिलते हैं, ड्राइवर साइड और गो पैसेंजर साइड। बाकी आपको 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, ठीक है भाई। जो AC का क्लाइमेट कंट्रोल है वो आपको मैनुअली मिलेगा, कोई भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं आता। ग्लव बॉक्स इसमें आपको इतना बड़ा कुछ देखने के लिए महिंद्रा ऑफर कर ही देता है अपने में। बाकी भाई बेज कलर में जो इसका इंटीरियर है भाई काफी प्रीमियम इस चीज से लगता ही है। IRVM की बात करूँ वो आपको पूरा ऑटो डिपिंग के साथ में मिलेगा, सन वाइजर पे टिकट होल्डर मिल जाता है। इधर भाई जो रहेगा हमारा मिरर मिलता है, बट लाइट नहीं देखने के लिए मिलती। रूफ में आपको येलो LED लाइट जरूर देखने के लिए मिल जाती है। बाकी ट्विटर जो है आपको ए पिलर पे देखने के लिए मिल जाते हैं। स्पीकर आपको डोर पे ही मिलते हैं देखने के लिए। अगर सेकंड डो में लेकर चलूँ भाई मैं आपको सेकंड डो में कितना स्पेस मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, USB का और ऑक्स के लिए भी मिल जाता है। चलो भाई सेकंड डो में दिखाता हूँ आपको सेकंड डो में हमें क्या क्या मिलता है इसमें। इस डोर को करते हैं बंद। जो भाई सेकंड रो में स्पेस रहेगा गाड़ी में, जैसे हमारी हाइट 5 फीट 6 इंच है भाई, उस हिसाब से लेग स्पेस तो ठीक है गाड़ी में। और जो विंडो का अप डाउन मिलेगा वो आपको यहीं पे देखने के लिए इसमें मिल जाता है। सॉकेट वगैरह बाकी फ्रंट में आपको वहाँ चारों मिल जाते हैं, डोर पे आपको रियर के मिलते हैं, कोई भी फ्रंट में आपको डोर पे कहीं नहीं मिलेगा। ये अच्छा कर दिया भाई, पहले वाली में आता था वहीं आते थे तो पीछे वाला बंदा उससे कहता था कि भाई ये शीशा नीचे कर ऊपर कर, बट यहाँ पे महिंद्रा ने अपना खुद दे दिया। अगर मैं आपको हेडरूम की बात स्पेस बताऊं भाई, हेडरूम भी देखो स्पेस ठीक है, मेरी हाइट जैसे 5 फीट 6 इंच है भाई। एक सेगमेंट में जो बैठने में स्वाद है भाई वो इस वाली में, पहली वाली में इतना नहीं आता था कम्फर्टेबल लग जरी सेगमेंट का हो या एक लंबी जर्नी हम उसमें कवर नहीं कर पाते थे, बट इसमें महिंद्रा ने कर दिया है। जो यहाँ आर्मरेस्ट भाई इसमें देखने लिए मिल जाता है ये ठीक है, इसकी भी हाइट भाई देखो आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा आपको करना है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में हमें देखने लिए मिल जाती है, दो हेडरेस्ट इसमें थर्ड रो में भी आपको मिल जाता है भाई। दो बंदे आप यहाँ बैठा सकते हैं, तीन यहाँ बैठा सकते हैं, दो वहाँ बैठा सकते हैं भाई। जो सेकंड रो में इसमें यहाँ भी आप देखो पूरा आपको ग्रे के साथ में मिल जाता है, बाकी आपको रब ब्लैक के साथ में मिलेगा, विंडो का सॉकेट यहाँ मिल जाता है। बाकी पूरा डैशबोर्ड भाई कुछ ऐसा आपको देखने लिए बुलेरो नियो का मिल ही जाता है देखने के लिए। चलो एक बार बाहर से और गाड़ी के लुक दिखा देता हूँ मैं, बाहर से गाड़ी के लुक कैसे मिल जाते हैं। बाकी भाई देखो साउंड वगैरह करती है गाड़ी, अगर हम डोर वगैरह खोलो तो यहीं से हम इसको पहले लॉक कर देते हैं गाड़ी को, तो ये साउंड ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी लॉक अनलॉक करने से। बाकी आप पूरी गाड़ी के लुक देख सकते हैं। तो कुछ यही था भाई इस वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करके आना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।